नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। आज लोकसभा को लेकर चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग दिल्ली के सातों सीटों पर हो रहा है। लगातार वोटिंग सुबह से चल रहा है। हाँ, लेकिन वोटिंग प्रतिशत थोड़ी कम जा रही है। इसके लिए हम बात करते हैं, हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष हैं बीरेन सचदेवा जी। सर, वोटिंग प्रतिशत कम हो रही है? कोशिश कर रहे हैं और सुबह तो मैंने देखा, जब मैं खुद वोट देने गया था उस समय काफी लंबी लंबी लाइन थी, लगभग 7:15 का टाइम था। उसके बाद लगातार हम जिन बूथों पर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि जनता को प्रोत्साहित करें मतदान के लिए। मुझे लगता है शाम तक दिल्ली का प्रतिशत ठीक होना चाहिए। सर, वोटिंग प्रतिशत के बीच में कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की भी ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन मंडिया मेल में तो हंगामा हो गया। ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जल्दी जल्दी वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं। एक दो जगह की शिकायतें थोड़ी गंभीर हैं, लगातार हम संपर्क में अधिकारियों के, और जब इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है तो इस तरह की छोटी घटनाएं होती हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी वाले जानबूझ के ऐसा करवा। अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं जिस बूथ पे गया था वहां पे भी वोटिंग मशीन खराब हुई थी, लेकिन 5 मिनट में ठीक हो गई। तो ये संभावना धीरे धीरे चलती रहती है। अब अगर मैं जिस बूथ पे जा रहा हूँ तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल उसको करवा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव चल रही है, वोटिंग हो रही है जबरदस्त। इस बीच में पाकिस्तान के द्वारा ट्वीट हो रहा है केजरीवाल जी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फफाद हुसैन अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि केजरीवाल की जो भ्रष्ट राजनीति का गंदा खेल है वो पाकिस्तान के इशारे पर होता है। पाकिस्तान और ऐसे अनेक देशों की फंडिंग से चलते हैं अरविंद केजरीवाल, जिसके आरोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं। आतंकवादी संगठन से पैसा लेते हैं, लेकिन आज चुनाव वाले दिन पाकिस्तान के मंत्री का संदेश आना, एक वर्ग विशेष को इशारा करना कि जाइए आपको कहाँ जाना है, तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं। और ये घिनौना चेहरा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी कि देश के दुश्मनों की गोद में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। दिल्ली के साथ उनके पास सातों सीटें बीजेपी जीत रही है। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी जी को खुल के दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीरेन सचदेवा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत जो लगातार दिल्ली में जो भी कम है वो दोपहर के बाद बेहतर होने के अंदेशा। और वही जो पाकिस्तान द्वारा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के सपोर्ट में ट्वीट करना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। अभिषेक ने बीपी लाइव दिल्ली।